और जो तुम कह रहे हो कि लोग से बी प्लान रखते हैं कुछ रखते हैं, बिल्कुल सही है, उसमें आप बहुत अमीर भी बन जाओगे अगर वो कामयाब हो गई कंपनी। मेरे को लगता है भाई कि कॉलेज में स्टार्टअप करना सही रहता है, और मतलब मेहनत तो भाई बेहिसाब मेहनत होती है, ठीक है। स्टार्टअप करने का फैसला यार कई बार थर्ड या फोर्थ ईयर में लिया जाता है। मैं कॉलेज के टाइम से ही स्टार्टअप कर रहा हूँ, मैंने अपना पहला स्टार्टअप थर्ड ईयर में किया था। मैंने मतलब B2B फिनटेक में भी काम किया है, और सबसे बढ़िया किसी भी नॉन IITian के लिए और IITian के लिए भी सबसे बढ़िया इन्होंने पहली बात तो खुद बहुत स्टार्टअप बनाए, पर ये थोड़ी है कि यार सिर्फ यही जो यूनिकॉर्न टॉप यूनिकॉर्न फाउंडर थे यही हैं। आपको पता ही नहीं होता कि मतलब भाई कुछ नहीं देखा हमने, सिंपल बात है। जब आप करने जाते हो तो ग्राउंड पे उतर के कहाँ कहाँ जाते हो, तो मान के चलना कि बहुत लोग इवेंचुअली जो स्टार्टअप करने गए हैं वो लौट के जॉब करने आ जाएंगे। क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास ऑप्शन ऐसे भी होते हैं। एक एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस नाम की चीज़ होती है, कोई नहीं होगा, आप उनसे जिनसे कंपेयर करते रहते हो वो सब कोई नहीं बचेंगे। आप क्या कमाते हो क्या करते हो उससे आपको मतलब है, आपके परिवार को मतलब है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर नेटवर्क सक्सेस हिल। तो आज की सक्सेस टॉक में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर निशांत जिंदल। काफ़ी लोग आप इनको जानते भी होंगे, ये IIT दिल्ली से हैं। इन्होंने 2021 में ग्रेजुएशन करके अपने फिनटेक स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, तो जानते हैं इनके स्टार्टअप्स या इनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो वेलकम निशांत भाई। तो नमस्कार दोस्तों, मैं 2021 में IIT दिल्ली से ग्रेजुएट हो रहा, जैसे लविश ने बताया, और मैं कॉलेज के टाइम से ही स्टार्टअप कर रहा हूँ। मैंने अपना पहला स्टार्टअप थर्ड ईयर में किया था, तब से आज तक मैं मतलब कई सारे स्टार्टअप्स पे अपना हार्ट ट्राई कर चुका हूँ। इस वक्त मैं एक फिनटेक स्टार्टअप बना रहा हूँ, दैट्स इट। बाकी मैं उसके अलावा मैं यूट्यूब वगैरह करता हूँ, तो मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है निशांत जिंदल के नाम से, उस पर मैं JEE के बारे में बताता हूँ। निशान, जैसे आपने बताया भी कि आपने थर्ड ईयर में फर्स्ट टाइम स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे आपकी मोटिवेशन क्या थी, आपका माइंडसेट क्या था, और एक्चुअली आपके माइंड में गोल क्या था कि आपको ये चीज अचीव करनी है, और क्या अभी भी आपका सेम गोल है या चेंज हो चुका है? यार मतलब मुझे क्या लगता है तुम ये पूछना चाह रहे हो तो कि मैंने स्टार्टअप क्यों करना है ये कैसे सोचा? तो ये तो यार ऐसे है कि मैं जब छोटा था ना, तो मैं मतलब मेरे फादर दुकानदार हैं, उनकी किराने की दुकान थी छोटी, तो वहाँ पे मैं गले पे बैठा करता रहा कई बारी, तो मेरे को वो चीज़ समझ में आती थी कि सेल्स करना, सेल कितनी हुई, प्रॉफिट कितना हुआ, तो और ब्याज या किराया उधार ये सब ना बहुत, और या फिर सप्लाई या कहीं से सामान लेके आना, नेगोशिएट करना, ये सब मेरे ना नेचर में ही था बड़ा होते होते। ऑफकोर्स ग्रो हुआ मैं, पर मतलब मेरे को ये सब चीज़ें बहुत फेमिलियर लगती थी। वहीं पे बात करूँ तो जॉब करना, सैलरी, ठीक है, ये सब चीज़ें मेरे को नहीं पता थी, मैंने कभी देखा ही नहीं था। और मतलब मेरे पेरेंट्स जो है, मैं फर्स्ट जनरेशन कॉलेज गोअर हूँ, मतलब कि मेरे पेरेंट्स कॉलेज नहीं गए, स्कूल भी पूरा नहीं किया, इसलिए मेरे को पता भी नहीं था कॉलेज में क्या करते हैं। तो मेरे को यार JEE के टाइम पर फितूर चढ़ गया था कि JEE क्रैक करना है, तो JEE तो मैंने क्रैक कर दिया। फिर IIT पहुँच के पता ही नहीं क्या करना है, और मतलब बालक ही तो हूँ मैं यार, मतलब IIT क्रैक कर लिया बढ़िया मेहनत करके दिमाग लगा के, पर अंदर जाके अब क्या करूँ पता नहीं भाई, बालक है, बालक 17 साल का मैं पहुँच गया। तो फिर फर्स्ट ईयर ऐसे ही बीत गया, मतलब एक्सप्लोर करते हुए कह लो या डायरेक्शन लेस कह लो। तो फर्स्ट सेकेंड ईयर के बाद फिर मेरे को समझ में आया कि स्टार्टअप करना भी एक करियर है, और हम अपना स्टार्टअप बना सकते हैं। और वहीं पर संजोग से मुझे एक बैंकर मिले, और उन्होंने मेरे को यार इनिशियल फंड्स दिए, और उसके ऊपर फिर मैंने उसको संजोग समझा और मैंने अपना पहला स्टार्टअप बनाया। तो आपको स्टार्टअप जर्नी के ऊपर आने से पहले भी आपने बोला कि आपने फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर किया, तो एग्जैक्टली आपने क्या क्या चीज एक्सप्लोर की? मैं सच बोलूं तो फर्स्ट ईयर में मैं IIT जब गया था, मेरे पास डायरेक्शन नहीं थी, मुझे पता नहीं था क्या करना है। तो और मतलब होता क्या, IIT पहुंचते हैं तो लगता है कि आप मतलब IIT हो गया तो लाइफ सेट है, तो वही था। तो मेरे को एक्चुअल में पता ही नहीं था, फर्स्ट ईयर में ये समझ लो कि मैं सीनियर से मिलता रहता था, जैसे IIT में जो नॉर्मल करियर होते हैं कि कोई MBA के लिए जा रहा है, कोई UPSC के लिए जा रहा है, कोई कोडिंग कर रहा है, तो मैं इन सीनियर से मिलता रहा, पर मुझे बिल्कुल भी कोई भी एंथुजियाज्म नहीं आया किसी भी करियर की तरफ। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत MBA की तरफ आया था, पर लेटर वो भी छूट गया। फिर सेकेंड ईयर में मेरे को जो है थोड़ी चोट लग गई थी, और उस वजह से फिर मैं बेड पर पड़ा, मतलब बेड रेस्ट पर चला गया 4 महीने के लिए। और उस दौरान मैंने फिर भाई थोड़ा स्टार्टअप को और समझा, सोचा, दोस्तों से बात करी, तो मेरे को समझ में आया। और उसी टाइम पे मुझे वो इन्वेस्टर भी मिले, तो उनसे बात करके मेरे को क्लियर हुआ कि एक बार हाथ ट्राई करके देखते हैं। तो फिर वहाँ से मेरे को समझ में आया कि ये चीज़ बहुत ही नेचुरली आती है और मजा आता है करने में, तो यही करेंगे, तो स्टार्टअप ही कर रहा हूँ और आगे भी यही करने का प्लान है। तो इनिशियली इंडिविजुअल थे या फिर कोई फ्रेंड के साथ में था? पहले पहला स्टार्टअप मैंने सोलो किया था।
जैसे कुछ स्टूडेंट्स ये नहीं कहते या सोचते कि उनका प्लान ए है स्टार्टअप, लाइक वो हमेशा सोचते हैं कि चलो पहले जॉब का देखते हैं एंड पैरेलली कुछ सोचेंगे, एंड अगर कुछ अच्छा बना देन कम्प्लीटली स्विच कर जाएंगे। तो इस रिस्क को आपने फिर किस तरह से हैंडल किया? मैं मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है सोचना कि भाई स्टार्टअप में ना यू नीड एक सेफ्टी नेट। मतलब जैसे आप अम्यूजमेंट पार्क में जाते हो तो वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया झूले हम झूलते हैं, हम इसी ट्रस्ट पे झूलते हैं कि नीचे सेफ्टी नेट लगा हुआ है, तो अगर कभी कुछ गिर गए, चोट लग गई, तो सेफ्टी नेट पे गिरेंगे तो चोट नहीं लगेगी, मतलब बच जाएंगे। तो वो सेफ्टी नेट बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप देखते हो यार कि जिन लोगों, या तो भाई किसी के घर में फाइनेंशियल बैकिंग बहुत अच्छी हो, या कोई IIT वगैरह से हो, या फिर कोई मतलब जब 35 साल के हो जाते हैं ना, जब तक उनके फाइनेंसेस वो सॉर्ट कर लेते हैं कॉर्पोरेट में ऊपर जाकर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके या कुछ भी, उसके बाद स्टार्टअप करते हैं। तो मेरे केस में वो सेफ्टी नेट था बीइंग फ्रॉम IIT, कि अगर मैं IIT का हूँ तो मेरे को ना मतलब कभी जॉब के लिए ऐसा नहीं हो कि जॉब नहीं कभी मिले या कुछ हो जाए, कभी भी इंडस्ट्री जा सकते हैं और लोग हमारी स्किल्स पर हमारे को जॉब दे देंगे। तो पहले मैं इस तरह से सोच के मैंने स्टार्टअप्स में रिस्क वगैरह लिए, और मेरे को पता था कि आखिर में नहीं भी कुछ बना तो जॉब का ऑप्शन खुलना सदा। तो ये जरूरी है। और जो तुम कह रहे हो कि लोग से बी प्लान रखते हैं कुछ रखते हैं, बिल्कुल सही है। मतलब बहुत रिस्क, अगर आप प्रॉपर स्टार्टिंग कर रहे हो, एक तो होता है स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल बिजनेस में फिर भी एक बार को ठीक है कि आपका बिजनेस चलता तो आप आगे और बड़ा कर लेते हो, 5-7 लाख 10 लाख रुपये महीना आ जाए अगर, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है वो, ठीक है, वो चीज़ कर ली वो अलग बात है थोड़ी, पर फिर भी जो स्टार्टअप है या बिजनेस भी है उसमें बहुत रिस्क होता है। तो अगर आपके पास सेफ्टी नेट है तो मतलब होना ही चाहिए, मैं मानता हूँ मैंडेटरी है वो, नहीं तो आप यार क्या होगा, आप मान लो आपका स्टार्टअप नहीं चला, जो कि लाइकलीहुड मान के चलो कि मोस्टली स्टार्टअप नहीं चलते, तो उस केस में भाई आप क्या करोगे, आप बिल्कुल खत्म हो जाओगे, तो क्यों कर रहे हो ऐसी चीज़। तो ये चीज़ है, इसलिए बेस्ट है कि सेफ्टी नेट बना के चलो। अब आपका सेफ्टी नेट कैसे आता है वो आपको देखना है। सही है। बट आपको फिर IIT दिल्ली के टैग ने किस तरह से हेल्प की? क्या आपको लगता है कि जो स्टूडेंट IIT से नहीं है उनके लिए भी उतना ही इजी कह सकता हूँ कंपैरेटिवली, या उनके लिए उससे ज्यादा मुश्किल है स्टार्टअप के बारे में सोचना? मुझे ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है सच बोलो तो, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं कई बार, मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि मैं IIT दिल्ली से हूँ, तो कई लोग ऐसे ऊपर से बोल देते हैं कि तो प्लेसमेंट में बैठे थे, प्लेसमेंट कितने की लगी? तो IIT दिल्ली का मतलब होता है प्लेसमेंट पब्लिक के लिए, और अगर प्लेसमेंट में बैठे तो मतलब आपने इतनी मेहनत करी जाएगी सब वेस्ट कर दिया, क्योंकि प्लेसमेंट ही तो सब कुछ था। तो वो ऐसा सोचते हैं, जबकि स्टार्टअप में जो IIT बीइंग फ्रॉम IIT वो इतने ज्यादा वेज में हेल्प करता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। ये बता रहा हूँ, कहने का मतलब मैं आपको इस तरह बताता हूँ, आप जॉब कर रहे हो किसी, कभी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तब भी आपको IIT दिल्ली का टैग हेल्प करता है, और कैंपस में प्लेसमेंट्स होती हैं, पर इतना ये बहुत ही छोटा बेनिफिट है IIT का। अगर आप देखोगे मेरा IIT दिल्ली कॉलेज है, तो वहाँ से ऑफकोर्स पहले भी बहुत लोगों ने मचा रखा है, मतलब वहाँ पे बंसल और दीपिंदर गोयल, बंसल मतलब फ्लिपकार्ट वाले, और दीपिंदर गोयल, अलविंदर ढेंडसा, और ये सारे मतलब एंटरप्रेन्योर्स निकले हुए हैं। तो इन्होंने पहली बात तो खुद बहुत बड़े स्टार्टअप बनाए हैं, पर ये थोड़ी है कि यार सिर्फ यही जो यूनिकॉर्न टॉप यूनिकॉर्न फाउंडर थे यही हैं, उसके बाद भाई और थोड़ा सा एक लेवल नीचे आओगे और एंटरप्रेन्योर्स हैं, और नीचे एक लेवल आओगे और एंटरप्रेन्योर्स हैं, IIT दिल्ली के ही तो एक सीढ़ी है। तो हम क्या कर सकते हैं यार, हम भाई उस सीढ़ी पे हम भी चढ़ सकते हैं, तो हम अपने से नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर जिन्होंने भाई कुछ राउंड उठा रखे हैं या कुछ कर रहे हैं उनके साथ जुड़ के उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास हमेशा एक्सेस है। और मतलब IIT दिल्ली का कोई बंदा आता है, एक IIT दिल्ली के बंदे के पास, तो एक उसके अंदर एक कम्युनिटी की फीलिंग होती है, तो आपस में दूसरों काफी हेल्प करते हैं। बल्कि इस वक्त मैं IIT दिल्ली का ऐसा कि मेरे को कोई भी इशू आता है काम करते हुए, चाहे मैं जॉब भी कर रहा होता तब भी ये बात एप्लीकेबल है, क्योंकि मेरी काम यार स्टार्टअप में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, आपके पास चैलेंज आता है, आपको क्रैक करना होता है, क्रैक करना होता है आपको, तो उस केस में मेरे को जब नहीं कुछ सूझ रहा होता है या कुछ इनसाइट की जरूरत होती है, मुझे क्या करना है, लिंक्डइन खोलना है, वहां पे सर्च करना है कि कोई रेलेवेंट प्रोफाइल पर रेलेवेंट कंपनी में IIT दिल्ली का अगर कोई सीनियर काम कर रहा है उसको रिक्वेस्ट भेजो, बात करो उससे, सारी बात जान लो, ठीक है, और बस होगी प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये कितनी पावरफुल पावरफुल यूसेज है IIT नेटवर्क का। फिर बीइंग फ्रॉम IIT मतलब जैसे आप एप्पल का फोन हो वो 2 लाख में भी खरीद लोगे, ठीक है, क्योंकि भी आपके पास एक ब्रांड वैल्यू है। ब्रांड क्यों काम करता है कि ट्रस्ट होता है उस पे यार, कि अब सोचो कोई बंदा आपको 20 करोड़ रुपए आपके पास इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको एक ट्रस्ट फैक्टर चाहिए ना, क्योंकि एक्चुअल में इतनी इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती, कितनी भी बातचीत कर लो आप, 1 महीना भी बातचीत कर लो किसी से, आपको कैसे पता चलेगा कितना बढ़िया बंदा है, वो तो सालों में अनफोल्ड होती है बात, आप ऐसे ही फोन को जाके एग्जामिन थोड़ी कर सकते हो, आप कहोगे चलो एप्पल का इन्होंने सही बनाया होगा एक बारी कॉल, तो अपनी तरफ से आप सारी वो करोगे पर वही काफी नहीं है, एक ब्रांड होना जरूरी है। तो
इसलिए वहां पे मतलब बीइंग फ्रॉम आईआईटी बहुत हेल्प करता है, मतलब इन्वेस्टर्स को बहुत फ्रिक्शन कम करता है इन्वेस्ट करने के लिए। मैं कहूंगा भाई आईआईटी के बाहर वालों के लिए ऐसा नहीं है कि भाई बहुत मुश्किल है, पहले और भी ज्यादा मुश्किल था, पर आज पहले के मुकाबले नॉन आईआईटियंस के लिए और भी आसान है, पर आईआईटियंस के लिए और भी ज्यादा आसान है क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत एक ब्रांड वैल्यू भी है, प्लस नेटवर्क है जैसे मैंने बताया। फिर आप सोचो आपको को-फाउंडर चाहिए, टैलेंटेड लोग चाहिए, कहाँ से लोगे आप यार, मतलब जो सबसे डेंसिटी कहाँ होगी सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोगों की या पैशनेट लोगों की? आईआईटी में तो को-फाउंडर बगल में मिल जाएगा, उसके बगल वाले रूम में विंग विंग मेट ही, और ऐसे निकले कितने सारे स्टार्टअप्स हैं जिनके को-फाउंडर विंग मेट है। ठीक है, तो ये सब, और प्लस कॉन्फिडेंस रहता है आदमी को कि यार मैं आईआईटी से हूँ, मैं कर सकता हूँ, और एक वो भी होता है सेफ्टी नेट वाली चीज बताई मैंने तुम्हें, तो आईआईटी इस तरह से आपने आईआईटी के प्लेसमेंट नहीं ली, आपने आईआईटी वेस्ट कर दिया। सोचो मुझे लगता है प्लेसमेंट लेके छोड़ दिया आईआईटी, वो ज्यादा बड़ी वेस्टेज है। तो जैसे यहाँ पे आप थोड़ा ऐड कीजिए कि आईआईटी में फंडिंग वगैरह की अगर अपॉर्चुनिटीज होती हैं स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए या नहीं होती। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊंगा, आपको फंडिंग कोई प्लेट पर रख के तो कभी नहीं देगा, तो हमेशा मतलब फंडिंग ना आईआईटी कैंपस में जो फंडिंग मिलती है ठीक है वो बहुत छोटी होती है, 5-7 लाख रुपए मिल गए कैंपस वाले बंदे के लिए, फिर भी ठीक है क्योंकि इससे आप इंटर्न्स हायर कर सकते हो, बेसिक प्रोडक्ट बना सकते हो ठीक है, थोड़ा बहुत और खर्चे वगैरह कर सकते हो, उसके बाद कुछ करते हो तो आगे जाके फंडिंग वगैरह उठा लेना, पर ये कॉन्सेप्ट रहता है मोस्टली जो मैंने देखा भी कैंपस में पैसे उठाते हैं लोग, वो लोग एक बचकाने से स्टार्टअप के लिए नूब से लोग उठाते हैं मोस्टली जो मैंने देखा, पर ऑफ कोर्स वी ऑल स्टार्ट एज नूब्स, तो वहां पे उठाते हैं वो स्टार्टअप मोस्टली फेल हो जाता है, पर वही लोग आगे जाके फिर कुछ और जब करते हैं तो वो और ज्यादा हाईली मेच्योर होता है और फिर बड़ा फंड उठाने में वो कामयाब रहते हैं। पर फंड रेजिंग जो है बहुत ज्यादा वॉर्म गेम है, वॉर्म इन द सेंस कि मैं इस तरह कह रहा हूँ कि नेटवर्क बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि यार आप नेटवर्क के अंदर, वीसी नेटवर्क के अंदर, या एंजल्स आपके कितने क्लोज हैं, वीसी वीसी से आपकी कैसी बातचीत है, आपकी रेपुटेशन क्या है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। क्योंकि मैंने बताया यार कोई आपको पैसे दे रहा है 20 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, या छोटा अमाउंट भी ले लो 2-3 करोड़ रुपए, तो छोटा अमाउंट नहीं होता वो, और वो किसी में डाल रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें वो रेफरल वाली चीज और वो सब चीजें आ जाती हैं, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी आईआईटी से होना बहुत हेल्प करता है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं डिस्करेज नहीं करना चाह रहा नॉन आईटीएन फाउंडर्स को या नॉन बिटसीएन फाउंडर्स को, पर मतलब नॉन आईटीएन के लिए ये है कि भाई आप मतलब या तो आईआईटीएन को फाउंडर हो जाए कोई, या फिर बहुत सारे तरीके होते हैं मार्केट में अपने पैर जमाने के, और सबसे बढ़िया तरीका होता है इंटर्न, उस बारे में बताऊंगा अभी बात करेंगे जब, पर सबसे बढ़िया किसी भी नॉन आईटीएन के लिए और आईटीएन के लिए भी सबसे बढ़िया तरीका होता है स्टार्टअप में पैर रखने का इंटर्न, इंटर्नशिप। जितनी हमें लगता है ना कि जितनी छोटी चीज है, मतलब वो एक्चुअल में बहुत पावरफुल चीज है इंटर्न, बहुत ज्यादा, तो उस पर आएंगे। तो जैसे अभी आप ये मेंशन कर रहे हो एंड काफी स्टूडेंट्स ने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया की काफी को फाउंडर्स आईआईटी से नहीं भी होते, तो आप इस चीज को किस तरह से देखते हो कि शार्क टैंक ने स्टूडेंट्स को इनकरेज किया है या? भाई मतलब मजे के लिए देख रहे हैं, पर भाई बहुत मतलब मैं खुद बहुत हैरान होता हूँ कि लोगों पे कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई गाइडेंस, कोई एक्सपोजर नहीं है, और छोटे शहरों से है। मतलब मैं भाई चाहे कैसी भी, मतलब मैं कहता हूँ मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ या कुछ है, पर भाई मैं दिल्ली में रहता रहा ठीक है, तो एक महानगर वाले बंदे की सोच होती है फिर भी ठीक है, जो बंदा छोटे शहरों से आ रहे हैं और उन्होंने भाई ऐसे 5-5 करोड़ रुपए के धंधे बना रखे हैं, तो कोई जोक नहीं है वो, तो लोगों में भाई बहुत प्रतिभा है इंडिया में, और करने वाले भाई कैसे कैसे क्या क्या कर देते हैं उसकी कोई हद नहीं है, वो है। पर मतलब मुझे नहीं पता वो कितने बड़े ब्रांड बनेंगे, पर काफी बड़े बन जाएंगे ये है मतलब। पर जैसे मैं थोड़ा सा जब स्टार्टअप की बात करता हूँ, मेरे मन में होता है टेक स्टार्टअप के, जो मतलब जो ऐप बेस्ड होते हैं या वो होते हैं उनकी बात करता हूँ। शार्क टैंक पे जनरली जो देखे मैंने वो प्रोडक्ट वाले के, कोई किसी ने बेवरेज का ब्रांड बना दिया, किसी ने हेयर का ब्रांड बना दिया, हेयर केयर का, स्किन केयर का, तो ऐसे, या किसी ने बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट बना दिया, तो ऐसे लोग कई सारे, वैसे तो सारे डाइवर्स आते हैं, पर थोड़ा सा आईआईटी वाली चीज थोड़ी सी अलग होती है, पर भाई वो लोग जो कर रहे हैं अपना रास्ता खोज के निकाला इतनी मुश्किलों में, वो बहुत ही बड़ी चीज है, मजाक नहीं है, और मतलब लोगों को इंस्पायर करता होगा वो। देखो तो प्लीज थोड़ा आप डिटेल में बताओगे इंटर्नशिप के बारे में, कि किस तरह की इंटर्नशिप्स के बारे में आप बोल रहे थे कि वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी हो सकती हैं जो स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं। मतलब ऐसा होता है यार कि देखो, अब मैंने जैसे कहा कि मैंने स्टार्ट किया था तब तो मेरे को क्लू नहीं थे क्या करना है,
चीजें करते हैं गलती हो जाती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें इमेच्योरिटी या बचपन, क्योंकि भाई छोटा ही स्टार्ट करते हैं हम, कॉलेज में शुरू करते हैं तो पता नहीं होती, तो वहां पे ये भी पता नहीं होता कई बार कि स्टार्टअप करना है नहीं, या स्टार्टअप होता कैसे है, क्योंकि हम तो बाहर से कुछ भी समझ लेते हैं, क्योंकि भाई ऊपर ऊपर से देखा ना, शार्क टैंक भी देखा तो ऊपर ऊपर से देखा, ठीक है। एक्चुअल में जाके आपने भाई सोचो, एक बंदा जाके स्टार्टअप में काम कर रहा है, एक बंदा उसकी बस 10 मिनट की वीडियो देख रहा है, कोई कोई कंपैरिजन नहीं है ना। तो स्टार्टअप देखने में तो आप जब ग्राउंड लेवल पे काम करने जाते हो तो स्टार्टअप का बहुत कुछ पता होता है कि स्टार्टअप कैसे चलता है, आपके फाउंडर्स को आप देखते हो कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे अपने इमोशंस को या सिचुएशन को या चैलेंजेस को देख रहे हैं, ठीक। आप ये भी देखते हो कि आपको वो कैसे काम देते हैं, आप वो काम करते हो, आप उनको देखते हो वो कैसे काम करते हैं, उनके काम किस किस तरह के होते हैं, स्टार्टअप में क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है और क्या मुश्किलें आती है, आप वो सब कुछ बिल्कुल हैंड्स ऑन देखते हो। प्लस आप इंटर्न कर रहे थे तो एक तरह से इंटर्न स्टूडेंट ही होगी, तो आप जाकर पूछते हो, पूछने का हक रखते हो कि यार आप ये कर रहे हो, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, या मैं ऐसे क्या करूं, ठीक है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, इसको सीखने के लिए क्या करूं, तो वहां से ऑफकोर्स आप स्किल्स भी सीख लेते हो, फिर आप अपना हाथ आजमा सकते हो चार चीज़ों पर। स्टार्टअप के अंदर अलग अलग काम चल रहे हैं, तो जैसे जनरली यार मेरे को जैसे दिखता है, एक टेक वाले लोग होते हैं, एक नॉन टेक वाले होते हैं। टेक वाले हो गए जो प्योर मतलब कोडिंग करते हैं, नॉन टेक वाले हो गए कि वो मार्केटिंग करते होंगे या एनालिसिस करते होंगे, बिजनेस देखते होंगे या कुछ भी, कि भाई जनरलिस्ट वाला काम होता है कि हम भाई सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हर तरह के लोग होते हैं स्टार्टअप में और हर तरह के काम होते हैं, तो जब आप ये सब करने जाते हो, आपको वो काम मिलते हैं, आप बोल भी सकते हो कि मुझे इस तरह के काम चाहिए, तो वहाँ पे आपको वो सब हैंड्स ऑन करने का मौका मिलता है। और आप जब बच्चे होते हो, इंटर्नशिप कर रहे होते हो, तो इंटर्नशिप कहीं ना कहीं एक तरह से खाना पूर्ति भी होती है कि आपको यार करनी है, कॉलेज में इंटर्नशिप की हो जाएगी, अच्छा रहेगा, सीवी पे लगी रहेगी, या वैसे भी हमारे कॉलेज में तो क्रेडिट्स मिलते हैं इंटर्नशिप करने के, करनी ही पड़ती है। तो आप उस तरह से देख रहे हो कि स्टूडेंट भी हो आप, आपको एक इंटर्नशिप मिल गई, उसमें आपने स्टार्टअप में जाके देख लिया, आपने अपना टाइम को सही जगह पे लगाया, आपको उससे सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई स्टार्टअप क्या होता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप किस चीज में अच्छे हो, क्योंकि आप सारी तरह की चीजें करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और प्लस अगर आप इवेंचुअली सोचते हो कि नहीं मुझे स्टार्टअप करना है, तो आपके पास वहाँ नेटवर्क भी बन जाता है। मान लो कि कई सारे ऐसे होते थे कि जो फ्लिपकार्ट में इनिशियल एम्प्लॉयज थे, उन्होंने भी अपने बड़े बड़े स्टार्टअप बनाए, वो भी यूनिकॉर्न्स बन गए, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप होते हैं जो एक अच्छे स्टेज तक जाते हैं, और उनके अंदर जो इनिशियल एम्प्लॉयज थे वो भी बहुत अपने स्टार्टअप्स खोल लेते हैं और बढ़िया करते हैं। फिर ऐसा भी होता है, एक एक तरीका और है कि फाउंडिंग मेंबर बन जाते हैं कई लोग, फाउंडर नहीं, फाउंडिंग मेंबर, थोड़ा सा फर्क है। फाउंडर होता है कि बिल्कुल कंपनी का प्रमोटर जो होता है, ठीक है, जिसपे सारा, जिसको हम एक तरह से फाउंडर को हम कह सकते हैं, एक तरह से वो एम्प्लॉयर है, पर फाउंडर को जनरली हम एम्प्लॉय नहीं कहते। और वहीं पे बात करें फाउंडिंग मेंबर की, वो एम्प्लॉयज होते हैं, वो क्या करते हैं, फाउंडिंग इंजीनियर हो गया फॉर एग्जाम्पल, वो टीम में आएगा, उसको थोड़ा मार्केट को इन थ्योरी कम तनख्वाह पे काम करते हैं, और कंपनी में थोड़ी सी इक्विटी ले लेते हैं, ठीक है, 2% इक्विटी ले लेते हैं, और फिर वो उस कंपनी को ग्रो करते हैं। एक तो उनको भाई पूरा एक्सपीरियंस मिलता है प्रोडक्ट बनाने का, जीरो से एंड तक, और क्योंकि जनरली एमएनसी में जाओगे तो वहाँ पे बड़ा रिलैक्स्ड कल्चर रहता है, प्लस आपका जो कोड वगैरह भी लिखते हो वो प्रोडक्शन में भी नहीं जाता कहीं बड़ी, और वो मजा नहीं है वहाँ पे, तो आप एक्चुअल में बहुत सीख भी नहीं पाते। पर जब स्टार्टअप में आप बिल्कुल शुरू से प्रोडक्ट बनाते हो तो बहुत कुछ सीख भी लेते हो, तो लर्निंग हो गई, ठीक है, प्लस एक एक्सपीरियंस, नया एक्सपीरियंस हो गया कि स्टार्टअप में आपने ट्राई कर लिया, कुछ हो गया, स्टार्टअप करना है नहीं करना ये बड़ा दिल्ला है, कल को आपको समझ में आता है कि भाई मैं ये चीज़ बड़ी अच्छी पसंद करता हूँ, तो आप भी कल को अपना स्टार्टअप एक्सप्लोर हो गया, प्लस तनख्वाह भी मिलेगी, ठीक। और अगर कंपनी कामयाब हो गई, वो इक्विटी जो है आपकी, वो बाय बैक कर लेगी कंपनी, किसी दिन बाय बैक अनाउंस करती है, ये आईपीओ होता है, तो उसमें भी आपको, उसमें आप बहुत अमीर भी बन जाओगे अगर वो कामयाब हो गई कंपनी को। तो ये सारे मतलब बेनिफिट्स होते हैं, मतलब स्टार्टअप से सिर्फ ये नहीं है कि आप फाउंडर बन के आप कामयाब हो सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं मतलब कामयाब होने के और ग्रोथ करने के। प्लस मतलब स्टार्टअप में करके आप यार कभी भी एमएनसी में जाके काम कर सकते हो, किसने रोका है। निशान, मैं आप एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे स्टार्टिंग में तो हम स्टार्टअप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अर्ली स्टेज में होते, तो हम काफी सारे वर्क करते हैं, तो आपको क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें सीखनी पड़ी थी, मतलब लर्निंग किस, मतलब कौन कौन से स्किल्स एक्वायर किए थे, और स्टार्टिंग की आपकी लर्निंग क्या थी, तो वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दो ज्यादा बेटर। सीखने की गिनती नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि स्टार्टअप में इतनी सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, मतलब आपको, क्योंकि आप ये समझो, आप ये नहीं कह सकते दिस डज नॉट फॉल
इन माय प्रोफाइल, मैं ये नहीं करता, ये रोल मुझे पसंद नहीं है, कि भाई धंधा बनाना है वो करना ही पड़ेगा, तो कुछ भी हो सीखना ही पड़ेगा, तो कोई चीज़ करने के लिए कोई चीज़ सीखनी पड़ती है, तो आपको सीखनी ही पड़ेगी, वो तो ऑप्शन नहीं है। मान लो आपको, मेरे को भाई सेल्स करनी है बैठ के, तो मैंने भी थोड़ा सा गूगल पे, मतलब मेरे को कुछ नहीं पता था, तो गूगल पे आर्टिकल्स पढ़ लिए थोड़े से कि सेल्स कैसे करते हैं, और उन्होंने कुछ टिप्स दी, वो टिप्स यूज़ करी, थोड़ा सा अच्छा हो गया, बाकी कुछ अपने तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए, धीरे धीरे आए, गॉट बेटर एट सेल्स, ठीक है, ये चीज़ सीखी, कुछ भी हो गया भाई, मार्केटिंग हो गई, कंटेंट मेकिंग हो गई, मेरे लिए कंटेंट बेस्ड मैंने काफ़ी काम किया है, तो कंटेंट कैसे बनाना है, उसको इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है, लोगों को हम अपनी बात कैसे उनके हृदय में उतारे, कि वो लोग सच में, एक तो होता है हमने बोल दिया, एक होता है कि उनके हृदय में उतरे, वो कैसे लाए, तो कुछ भी भाई, जो जो चीज़ इम्पैक्ट लाने के लिए सीखनी पड़ेगी, वी गो एंड लर्न, और लर्न करने का बहुत बढ़िया तरीका यही है कि लर्न गाइडेड, और गाइडेड तरीके सीखने का तरीका यही है, आप लिंक्डइन पे जाओ, किसी भी इंसान को भगवान बना लो, ठीक है, गुरु बना लो, कि भाई आप इस चीज़ में बड़े एक्सपीरियंस हो, मैं सीखना चाहता हूँ, आप हम्बल बन के जाओ, और आपको खुशी खुशी सामने 10 लोगों को बोलोगे, 3 लोग उसमें से आपके पास आएंगे, और एक दो उसमें से आपको बहुत तगड़ी हेल्प करके जाएंगे, और उसके बाद आप उनकी बात बताई हुई पे काम करोगे अगर, तो आप वो चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओगे कुछ टाइम में। तो ऐसे कर करके मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, मतलब, और रोज सीखता हूँ, आजकल भी कुछ ना कुछ सीखता ही रहता हूँ। फॉर्मल एजुकेशन जो हमने IIT में आपने पढ़ा है, कुछ काम आया कहीं पे? मतलब जो कोर्सेज में पढ़ा था कुछ काम नहीं आया, थोड़ा बहुत, मतलब ये कह सकते हैं 5-10% नहीं यार, मतलब 1% भी काम नहीं आया, ठीक है, एक इसकी परसेंट भी काम नहीं, मैनेजमेंट तो पक्का काम पे आई होगी, कि कैसे कोर्सेज या ट्यूटोरियल्स वगैरह मैनेज करने मेहनत करनी और टाइम मतलब मैनेजमेंट, आई गेस सच वही। कहूँ तो, मतलब मैंने कुछ मैनेज ही नहीं किया, मतलब मैं कभी कॉलेज ही नहीं गया, मतलब गया, ऐसा नहीं नहीं गया, पर जैसे 3rd ईयर 4th ईयर में तो कॉलेज ही नहीं जाता था मैं, क्लासेस ही नहीं गया, तो अटेंडेंस ऐसी 5%, 10%, 20% ऐसी रही है, नंबर कटते हैं तो कट जाएंगे, नंबर इतने कम है कि प्रोफेसर भी नहीं काटता था, तो वो वाली बात है, तो मैनेजमेंट वगैरह जो सीखा काम करते हुए सीखा, स्टार्टअप से ही, फॉर्मल एजुकेशन से कुछ भी नहीं सीखा, मतलब बाकी ऐसा मैं उसको डिस्क्रेडिट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया IIT से मैंने किस तरह अलग तरीके से बेनिफिट उठाए, मतलब फॉर मी IIT वॉज मोर ऑफ ए नेटवर्किंग इवेंट देन एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा रहा, बहुत बड़ा। सही है। बट जैसे ना यहाँ पे काफी लोगों को मैं मिला हूँ अभी तक, कि वो बोलते हैं स्टार्टअप का आइडिया है बट अच्छी टीम नहीं मिल रही। तो जैसे आपने पहले पहले वाला स्टार्टअप सोलो किया, तो आप इस चीज को कैसे देखते हो, कि सच में टीम का फर्क रहता है स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए या नहीं? मतलब बिल्कुल थ्योरी पे जाएं अगर, तो देखोगे भाई आप एक बड़ी कंपनी बनाने जा रहे हो, ठीक है, या तो स्मॉल स्केल बिजनेस करना हो, बिल्कुल अलग बात है वो, पर हम जब स्टार्टअप की बात करते हैं, मेरे ख्याल से स्केल होना मैंडेटरी है, फंडिंग उठाना भी मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप स्टार्टअप भी सुनते हैं, ऑल्दो कम होते हैं, पर फिर भी सबसे जरूरी चीज़ है भाई स्केल, कि भाई बहुत बड़े स्केल पे आप करना चाहते हो और बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते हो, स्पीड और स्केल ये कह सकते हैं, तो आप जब इतनी स्पीड और स्केल पे काम कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें गिव अप करनी पड़ती है, अपनी इक्विटी गिव अप करनी पड़ती है, कि भाई जब मैं अकेला नहीं कर सकता, तो मैं क्या करता हूँ, 1 और 1 11 करते हैं, तो 2 बंदे आ गए, तू ये कर मैं ये करूंगा, तू इस चीज में अच्छा है मैं इस चीज में अच्छा हूँ, तो अपनी अपनी एक्सपर्टीज लाते हैं, और वहां से ना क्या होता है, वो 1 और 1 11 हो जाता है, और ऐसे हम टीम बनाते चलते हैं, और टीम बनाना बहुत पावरफुल चीज है, बहुत, मैं कहूंगा अगर बड़ा बिजनेस बनाना है तो मैंडेटरी समझो, कभी भी अकेले आदमी ने बड़ी टीम नहीं बनाई, वो बड़ा स्टार्टअप नहीं बनाया, बड़ी टीम ने बनाया आप, और टीम में कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होने होनी चाहिए, कि भाई मैं अगर मार्केटिंग करता हूँ, मेरा को फाउंडर टेक करता है, एक को फाउंडर है वो बिजनेस करता है, तो ऐसे करके भाई एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स एक दूसरे को जो पूरक होने के, वैसी स्किल्स होना बहुत जरूरी है, और अच्छी टीम ढूंढना बहुत जरूरी है, तो विद टाइम आप लोगों की परख आपको आती है, गलत लोग भी चुन लेते हैं कई बार, और वो बहुत महंगा पड़ता है, पर विद टाइम आपको लोगों की परख आती है, और आप भी स्ट्रांग बन जाते हो, लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ना मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब बिजनेस करने जाओगे, आप एक लड़का है, एक नूब सा लड़का दिख रहा है जो कुछ कर रहा है, तो कोई क्यों आएगा आपके पास, कि आप अपनी अपनी तकदीर, अपना करियर आपके हाथ में दे रहा है, या आपके आपके भरोसे चला रहा है कहीं ना कहीं, तो कोई क्यों आएगा, तो वहां पे आपके अंदर वो करिश्मा और वो चीज होनी चाहिए, कि अपने अंदर भी प्लस अपने अंदर वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कि हम उनको लीड कर सके, ये नहीं कि हमारे बस का नहीं हो रहा या हम नहीं कर पा रहे, तो होता है शुरुआत ऐसे होती है, पर लेटर वी लर्न एवरीथिंग, और प्लस उनको भी ये होना चाहिए, कि मतलब आपको भी ये होना चाहिए, कि वो लोग में भाई ये स्किल्स होनी चाहिए, ये एटीट्यूड और एप्टीट्यूड होना चाहिए, और ये लोग सीखने वाले होने चाहिए, तो भाई बहुत मुश्किल काम है टीम बनाना, और बहुत ज्यादा लक पे भी डिपेंड करता है, मतलब ये बात मैं बोल रहा हूँ डिस्पाइट बींग फ्रॉम IIT, कि टीम बनाना आसान काम नहीं है,
ठीक है, और जब अच्छे लोग मिले, अच्छी टीम मिले, तो वैल्यू भी करनी चाहिए, तो ऐसे है। पर बेस्ट इसमें भी मैं यही कहूंगा, अगर आप इंटर्न करते हो, नेटवर्किंग करते हो, तो टीम वगैरह बनाना आसान हो जाता है, आपके नेटवर्क से ही टीम बन जाती है। पर आप जब घर पे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको भाई नेटवर्किंग करते रहनी चाहिए, नेटवर्क से ही आपको टीम मिल जाएगी, लोग मिल जाएंगे, उनकी इंटेंशन भी पता चलेगी, सब कुछ मिलेगा, पर नेटवर्किंग करो एक्टिवली। सही है जी। स्टार्टिंग के मेंबर्स आपकी टीम में आईआईटी के थे या नॉन आईआईटीएन से? अच्छा, मतलब जो हमारी टीम थी उसमें आईआईटीएन नॉन आईआईटीएन दोनों थे, ऐसा कुछ मतलब वो नहीं था कि हर कोई अपना, जो भी भाई जो भी आ रहा है, पहले तो मैं चूज ही भी नहीं था इतना, क्योंकि जो लोग अच्छे, बल्कि लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं वैल्यू करता हूँ अगर कोई बंदा मेहनती है, ठीक है, चाहे उसको एक आध स्किल कम भी आती हो, पर वो बहुत अपना मतलब समर्पण करना चाहता है, तो मैं उसको बहुत वैल्यू करता हूँ, चाहे वो आईआईटी का ना भी हो। पर होता थोड़ा सा ये मेरे को रहता है कि यार काम ना एक्सेलेंट चाहिए होता है, कि काम में अब मैं यार बंदे को बहुत चीजें बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, पर मैं उसको छोटी छोटी चीजें नहीं सिखा सकता, ठीक है। तो वहां पे एक आईआईटी का बंदा जब मैं लेता हूँ, मेरे को पर्सनली एक रहता है कि यार इसका काम मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एक्सेलेंट होगा, तो वो एक रहता है। पर मतलब नॉन आईआईटीएंस भी हैं, वो एक एक स्टेप आगे जाके अगर अपने आप को प्रूव कर देता तो मैं उसको भी ले लेता हूँ, सही है जी। बस उसको एक स्टेप एक्स्ट्रा प्रूव करना पड़ता है, मैं तब लेता हूँ, आईआईटी वाले में वो फ्रिक्शन कम रहता जैसे आपने है। स्टूडेंट का जर्नी भी आपने देखी है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा टाइम पीरियड और एज कौन सी ठीक है स्टार्टअप के बारे में, अगर कि सोच रहा है तो अच्छे से उसको इन्वेस्ट कर देना चाहिए वो टाइम? मेरे को लगता है भाई कि कॉलेज में स्टार्टअप करना सही रहता है, ठीक है, स्टार्टअप भी नहीं बल्कि मैं कहूंगा यार देखो ऐसा स्टार्टअप करना तो ना बहुत बड़ा फैसला है। देखो आईआईटीएन वाला थोड़ा सा अलग है, मैं थोड़ा नॉन आईआईटीएन परस्पेक्टिव पे जा रहा हूँ, स्टार्टअप करना एक बड़ा फैसला है। तो कॉलेज के टाइम पर हमसे अपेक्षा नहीं होती कि हम पैसे कमाएं अर्न यस करें, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं कि इंटर्नशिप कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉलेज के टाइम पर इंटर्नशिप करेंगे तो सीख भी रहे हैं, टाइम भी बीत रहा है और एक्सपीरियंस मिल रहा है और सीवी बन रही है, ठीक है। स्टार्टअप करने का फैसला यार कई बार थर्ड या फोर्थ ईयर में लिया जाता है मेरे ख्याल में, और या उसके भी बाद, कि कई बार बंदा जाता है, अभी भी मुझे नहीं लगता कि मैं सेफ्टी नेट बिल्ड हो गया, कि भाई उसके लिए सेफ्टी नेट पता है क्या हो सकता है किसी के लिए, कि यार उस बंदे ने मान लो 1.5 लाख 2 लाख की जॉब तक वो पहुंच गया हो, तो ये हो गया कि हाँ चलो मैं इतनी जॉब इतने पर तो जॉब करता था, और अब मैं मार्केट में थोड़ा 1 आध साल काम कर चुका हूँ, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कभी भी आऊंगा इतनी तनख्वाह पे तो वापस ज्वाइन कर ही सकता हूँ, तो ये एक सेफ्टी नेट हो गया। तो वो चाह रहा है कि चलो एक बार ही अपना हाथ आजमा के देखता है स्टार्टअप पे, और कोई अपॉर्चुनिटी भी आती है इस बीच। आप सोचो अगर वो कॉलेज में नेटवर्किंग नहीं करेगा तो वो अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी, आसमान से थोड़ी आएगी। तो कॉलेज में नेटवर्किंग करेगा, सीनियर जूनियर पीयर इन सबसे बात करेगा, दूसरे कॉलेज के लोगों से बात करेगा, तो वहां से कल को हो सकता है कोई बंदा कहे कि यार और आप उनसे टच में रहते तो कहेगा यार मेरा भी मन कर रहा है स्टार्टअप करने का, तो हम ये चीज बना के देखते हैं, और आप कहते हो चलो ठीक है करके देखते हैं, करने लगते हो तो कुछ दिखता है तो आगे बढ़ते हो। थोड़ा मैं आपसे आप एक चीज पूछना चाहूंगा, आपको कभी ने किसी ने ऐसा बोला है कि बस ये ऐसे ही टाइम पास के लिए करने लगा है स्टार्टअप? क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, फिर प्लेसमेंट में हुई नहीं है, तो तब वो स्टार्टअप करने लग गया। तो किसी ने आपको कभी बोला है कि कुछ नहीं हुआ तो इसलिए कर रहा है, टाइम पास कर रहा है? ये सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब क्या होता है कि मैं इसको गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है। अगर मेरे को भी देखो यार, मैं भी भाई मेरी सीजीपीए कितनी है, 6.3 के आसपास है, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में मेरे को पढ़ाई समझ में नहीं आई, जैसे मैंने कहा, मतलब ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, मैं कह रहा हूँ पढ़ाई करने वाला जो एक्ट है वो लगा कि यार क्या फायदा करके, तो पढ़ाई नहीं करना मेरा, ठीक है, पढ़ाई करना कोई बहुत महान काम नहीं है, खासकर कॉलेज में आप कुछ और भी करते हो फेयर ना, अगर वैल्यूएबल चीज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कॉलेज में आईआईटी में भी ये ऐसा होता है कि आप समझो, आप कॉलेज में कोई बंदा है, उसने मान लो अच्छा खासा कोई रेवेन्यू बनाया कहीं से, ठीक है, एक बंदा है जिसने जी सॉक लगाया, या वो सिंगापुर में इंटर्नशिप करके आया, ताइवान में इंटर्नशिप करके आया, तो उस बंदे के ऊपर ठप्पा लगा हुआ है गूगल, ठीक है, और उसको हर कोई सेलिब्रेट करता है, और उसको पता है भाई गूगल तो महान ही है, गूगल तो सब सेलिब्रेट करते हैं, तो मैंने फोड़ा है, पर वो बंदा हो सकता है करोड़ों रुपया कमा के बैठे हो, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, या करोड़ों नहीं चलो लाखों ही कमा लिए हो, पर मैं कहता हूँ वो लाखों कमाना बिजनेस करके कॉलेज में जी सॉक लगाने या कोई और छोटी इंटर्नशिप करने से बहुत मुश्किल काम किया है उसने, पर उसके ऊपर कोई ठप्पा नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशनल वैलिडेशन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए एक बहुत ज्यादा वो सेल्फ एस्टीम इश्यूज या खुद के ऊपर उन सबसे गुजरते हैं यार अंतर, और खासकर कॉलेज में। पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप अगर समझदार हो, देखो मूर्ख भी हो सकता है इंसान, या कई बार फितूर में पागल हो जाता है कि पता नहीं होता भाई कि मैं वैल्यूएबल चीज कर रहा हूँ या सच में टाइम पास कर रहा हूँ,
पर आपको लगता है कि हाँ यार आप अच्छे पैसे कमा लोगे, कि जॉब के मुकाबले आप डबल या 1.5 गुना पैसा कमा ही लोगे एटलीस्ट, तो और आपको ये इसका क्लियर पाथ पता है, एक नहीं दो तीन पता है पाथ, तो आपको आप कंटिन्यू आपको करना चाहिए। और आप याद रखना कॉलेज के बाद ना आपका कोई पीयर आपके साथ नहीं होगा, साथ नहीं होगा इन सेंस वो सब लोग अपने अपनी जगह अपने अपने रास्ते हो लेंगे, कोई नहीं होगा। आप उनसे जिनसे कंपेयर करते रहते हो वो सब कोई नहीं बचेंगे, आप क्या कमाते हो क्या करते हो उससे आपको मतलब है, आपके परिवार को मतलब है, तो वहां पे पहुंच जाती है बात। तो इसलिए पर ये बात है होती जरूर है, और आप ऐसा इसलिए भी फील करते हो क्योंकि आप लोग एंटरप्रेन्योर के साथ बैठते उठते नहीं। अगर आप और लोगों के साथ बैठते हो जुड़ते हो ठीक है, कि मान लो जो और लोग भी यही काम कर रहे हैं ठीक है, उसमें वो आपको उनके सर्कल में आपको बेटर परस्पेक्टिव मिलेंगे ठीक है, उनके सर्कल में आपको पता चलेगा फोड़ना किसे कहते हैं, क्योंकि उनकी भाषा अलग है उनकी। भाई मैंने गूगल में इंटर्नशिप नहीं लगाई, मैंने तो आज तक भारत के बाहर पैर नहीं रखा ठीक है, पर मैंने भी बहुत कुछ छोड़ा है, पर मेरे पे कोई ठप्पा नहीं है ठीक है, कि भाई मैं गूगल गया यहाँ गया वहां गया, तो वहां पे मेरे को डर लगेगा कि यार मैंने कुछ नहीं किया वो चीज। हाँ पर इवेंचुअली वो भी ठीक हो जाती है, क्योंकि जब आप यार आप अखबार में आते हो या पैसे ही कमा रहे, सिंपली पैसे की भी बात करें तो, या आप कोई Tier 1 VC ले आते हो अपने ऊपर ठीक है, वो सब इवेंचुअली हो जाता है, इजीली इजीली हो जाता है एक टाइम के बाद, जब आप मतलब आपने मुश्किल काम कर दिया, कि आपने धंधा बना लिया, आपने प्रॉफिट कमा लिया, आपने आपने बहुत सारी स्किल्स सीख ली, एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद फंडिंग वगैरह उठाना फिर भी उतना मुश्किल नहीं होता ठीक है, तो वो सब हो जाता है। पर रियल काम किया आपने पर उसके ऊपर ठप्पा नहीं है, तो हमको डाउट सा रहता है, और लोग बोलते हैं भाई लोगों को, हमको डाउट रहता है दुनिया का भी तो रहेगा, हम तो फिर भी बहुत कुछ जानते हैं, दुनिया कुछ नहीं जानती, तो उसमें वो रहता है भाई। बाकी लोगों से बातचीत करो, वही वही है इसका थोड़ा छोटा बड़ा सोल्यूशन जैसा भी। थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस बता, तो जो स्टार्टअप्स हैं वो क्या लेते हैं हमसे, मतलब कितना टाइम, कितना एफर्ट, ताकि थोड़े से स्टूडेंट को रहे कि कितनी मेहनत लगती है बिल्ड करने में। क्योंकि या तो को लगता है कि हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि रोज की एक नई समस्या सामने आती है, फिर उसको डील करना। यार मैं कहूंगा मतलब आप ये देखो कि स्टार्टअप में कई बार ये जैसे आप कह रहे हो रोज समस्या आती है, जब समस्या आती है एक तरह से आग लग गई, आग लग गई तो आपको सोचोगे थोड़ी, आप आग बुझाओगे, तो आग बुझाने जाओगे आप उसमें खो जाओगे, क्योंकि भाई आप समझो मान लो रात को आप थक हार के आए काम से और कहीं आप देखते हो कि आग लग गई, तो सब भूल भाल जाओगे ना कि क्या थकान क्या वो, और भाई आग बुझाने जाओ ठीक है, तो वो तो ऐसे काम का पता नहीं चलता, बहुत काम हो जाता है। और मतलब इसलिए मतलब अपनी कॉलेज में या यूथ में ना स्टार्टअप कर लेना चाहिए, उससे काफी काम करने का भी एथिक बहुत अच्छा हो जाता है और सीखने को काफी मिलता है, पर ऐसे केस में हेल्थ खराब हो जाती है, तो हेल्थ हेल्थ वाली चीज को देखना चाहिए कि कोई हेल्थ वर्किंग वाले शेड्यूल नहीं चीज। होता, हाँ वर्किंग शेड्यूल नहीं बनता दिन भाई के 12-12, 13-13 घंटे, 15-15 घंटे काम चल रहा है। राइट, ऐसे होता है, ये एक प्रॉब्लम रहती है। और मतलब मेहनत तो भाई बेहिसाब मेहनत होती है, बेहिसाब और बिना गिने। मैं आप एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर किसी को ये ना कि रिलैक्स वाली लाइफ चाहिए, तो जो बेटर है, क्योंकि अपने 6-7 घंटे 8 घंटे काम कर लिया हो गया, लेकिन अगर स्टार्टअप में जा रहे हो तो कम से कम ये मान के चलना 12 घंटे तो तुमके जाएंगे जाएंगे, ज्यादा चाहे चले जाए। और मतलब वो होता ये भी है थोड़ा सा कि आदमी मोटिवेटेड होके काम करता है, अपनी चीज पे काम कर रहा है तो होता है, पर जैसे कुछ लोग होते हैं सरफेस लेवल पे ही काम करते हैं, कि भाई कॉलेज में थोड़ा सा स्टार्टअप स्टार्टअप बोलेंगे उससे हम प्रो दिखेंगे, तो ग्राउंड पे जाके ना बहुत लगता है एसी में बैठ के या कमरे में बैठ के, नहीं होती अंतर से बहुत बहुत सारी टफ चीजें करनी पड़ती हैं, और वो आदत हो जाती है एक टाइम के बाद टफ चीजें करने की। क्योंकि जैसे हम YouTube पे वीडियोस मिलते हैं शार्क टैंक आने के बाद, सब मतलब कूल बनने के लिए स्टार्टअप वाला जो कल्चर स्टार्ट सा हो रहा है थोड़ा सा, कि थोड़े कूल दिखेंगे, तो मतलब कूल नहीं इतना ज्यादा, एफर्ट भी बहुत ज्यादा लगता है। अगर उसके लिए रेडी हो तब भी उसके अंदर कूदना, नहीं तो अपना जो पकड़ो वो ज्यादा बेटर है। बाकी मैं एक बात बोलूंगा कि मतलब जैसे मैंने सेफ्टी नेट वाली बात करी, तो ये मान के चलना कि बहुत लोग इवेंचुअली जो स्टार्टअप करने गए हैं वो लौट के जॉब करने आ जाएंगे, क्योंकि स्टार्टअप नहीं कामयाब होता हर किसी का ठीक है, तो बहुत लोग इवेंचुअली जॉब करने आ जाएंगे, तो थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखना है कि भाई अपना वो सेफ्टी नेट तैयार रखो, कई बार फालतू की स्ट्रगल ना करनी पड़े। पर वैसे एक बात बता रहा हूँ कि एक क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास ऑप्शन ऐसे भी होते हैं, एक एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस नाम की चीज होती है, वो क्या होता है कि ऑलरेडी बहुत सारे फंडेड स्टार्टअप है ठीक है, आपका कामयाब नहीं हुआ पर बहुत लोगों का हुआ है कामयाब, और इसमें बहुत बड़ा लक है, ऐसा खुद को ऊपर नीचे समझने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा लक का फैक्टर होता है, हर कोई ट्राई कर रहा है, कुछ लोग कामयाब होते हैं कुछ नहीं होते, लेकिन आपके पास स्किल है, आपको करना आता है, आपने बहुत कुछ किया भी है, बहुत फाइट करी है,
तो क्या होता है, बहुत लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग आके हमारे पास काम करें, उन पे पैसा है, उन्होंने उठा रखा है पैसा, तो वो लोग उसको जॉब की तरह दे देते हैं आपको कि हाँ आओ एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस बन जाओ। कई बार स्टार्टअप जो है कोर टीम में जाते हैं और बंदे आए जो जो रिलायबल हो, स्ट्रांग हो, लीड कर सके, ठीक है, तो ऐसी जगह ऐसी पोजिशन आपके लिए सदा खुल जाती हैं अगेन। बट ये सब आपको कुछ ना पता चलेगा, ना ऐसी अपॉर्चुनिटीज का पता चलेगा अनलेस यू हैव अ नेटवर्क एंड यू टॉक टू पीपल। मैं या आपने मिस्टेक्स पूछा के बारे में कि बता दो थोड़ा सा, कि मतलब क्या दूसरे मिस्टेक ना करें अर्ली स्टेज में अपने, जैसे स्टूडेंट को इंटरेस्टेड है करने में, तो क्या मिस्टेक ना परफॉर्म करें स्टार्टिंग में? आपने की लर्निंग पूछा या मिस्टेक्स ना करें वो बताऊं, तो यार मतलब पहले ही अपने ना गोल्स थोड़े से क्लियर कर लो कि आप किसी चीज को क्या बनाना चाहते हो। कि आप छोटा स्केल का बिजनेस है वहीं पे रखना चाहते हो, मीडियम स्केल पे लेके जाना चाहते हो, या लार्ज फैमिली प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह चलाना चाहते हो, या फिर आप इसको एक स्टार्टअप की तरह ग्रो करना चाहते हो। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि यार बड़ा सोचो, ऐसा नहीं होता। मतलब कुछ स्टार्टअप, कुछ बिजनेस स्टार्टअप की तरह ग्रो करने के लिए नहीं होते, पर भाई अगर वो भाई 15-20 लाख रुपए महीना आप कमा पा रहे हो किसी तरह, तो आप उसको कहोगे कि मैंने कुछ नहीं उखाड़ा, ऐसा थोड़ी है। तो बहुत सारे बिजनेस आपको ये देखना पड़ता है, अब आप शुरुआत कर रहे हो छोटे एक यंग पर्सन की तरह, आपको नहीं पता होंगी ये बातें, तो आप पता करो, आप उन लोगों से बात करो जिनपे एक्सपीरियंस है, वो बताएंगे कि नहीं यार इसको बड़ा करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। अब हर कोई अलग राय देगा, पर आप पूछो क्यों, मतलब ऐसा क्यों कह रहे हो आप, तो उसके पीछे आपको रीजनिंग पता चलेगी, फिर आपका सोचने का तरीका बिल्ड होगा और आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो आपको अपने फाइनेंशियल गोल भी पता होने चाहिए कि यार मेरे को यार इस टाइम तक ये करना है, इस टाइम तक ये करना है, नहीं तो मतलब हम अच्छे से प्लान नहीं कर पाते और नुकसान होते हैं। प्लस फिर यार मेरी की लर्निंग्स की बात करूं तो मतलब मैं अगर बात करूं, मैंने पहला स्टार्टअप 19 की एज में किया होगा, ठीक है, और आज मैं 24 साल का हो गया, तो 5 साल तकरीबन हो गए। और इसमें भाई मतलब मैं पहले ना मेरे को लोगों की परख थी, ना मेरे को वो अपने इमोशंस को या चीज़ों को डील करने की वो थी, मैं चीज़ों से डर जाता रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग कि आप बढ़िया खाना सब फल काट के रखते हो, आके मक्खियाँ बैठ जाती हैं, ठीक है, तो ऐसे करके भाई बहुत लोग खतरनाक लोग भी आए थे आपका काम खराब करने, जो कि सिर्फ गलत इंटेंशन से आ रहे हैं, या ऐसे कुदरती चैलेंज भी आ जाते हैं, ये कई बार हम ही अंदर से कोलैप्स हो जाते हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी बिजनेस पे खतरा होती हैं। तो इन सब चीज़ों में स्ट्रांग बना, ठीक है, बात करने का ढंग बेटर आया, लोगों को ऑनबोर्ड करने का तरीका बेटर आया, मेरे को लोगों की साइकोलॉजी समझ में आती है, मेरे को थोड़ा सा ग्राउंडेड ज़्यादा हुआ, दुनिया की रियलिटी ज़्यादा पता चली, कि भाई पहले बच्चों की तरह सोचता रहा, थोड़ा सा अब ग्राउंडेड और मैच्योर सोचता हूँ, तो वो सब चीज़ें विद टाइम ग्रो हुई हैं। और अगर सिर्फ स्किल की बात करें तो ऑफकोर्स मतलब मेरी जो कोर स्किल है मार्केटिंग, नेगोशिएशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ये सब विद टाइम ग्रो होती रही हैं। और बाकी एक और चीज़ होती है यार, विद टाइम आप जिन जिन मार्केट्स में काम करते हो, जैसे मैंने एडटेक में काम किया है, F&B इंडस्ट्री में काम किया है, या फिनटेक में काम किया है, थोड़ा बहुत एक शॉप टेक इंडस्ट्री भी है, दुकान टेक भी कहते हैं उसको, उसमें भी काम किया है, और मैंने मतलब B2B फिनटेक में भी काम किया है। तो आप जिन जिन इंडस्ट्रीज में काम करते हो, आपको उनके बारे में बहुत 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 रिसर्च भी करनी पड़ती है, और कई सारी चीज़ें काम करते करते पता चलती हैं, तो उससे भी आपको ना एक यार बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ, मतलब आपको दुनिया के जो हिस्से कोई पता ही नहीं थे, या दुनिया की जो प्रॉब्लम्स पता ही नहीं थी, या आपको पता ही नहीं होता कि मतलब भाई कुछ नहीं देखा हमने, मतलब सिंपल बात है, जब आप करने जाते हो तो ग्राउंड पे उतर के कहाँ कहाँ जाते हो, ठीक है, तो वो चीज़ों से भाई दिमाग डेवलप होता है। बट एनीवेज काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड मैनी थैंक्स कि आपने रियलिटी बताई, ग्राउंड रियलिटी बताई मार्केटिंग की, एंड स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं उन्हें चैलेंजेस सब पता चल जाएंगे कि ठीक है सोचने को हम बड़े बड़े सपने सोच लेते हैं, बट डिफ़िकल्टीज हर एक फील्ड में आती हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे सेशन तो आप प्लीज़ अपने इन करियर के बारे में ध्यान से सोचना, और ज़्यादा और गाइडेंस चाहिए तो आप इनके यूट्यूब चैनल के में जाके और सर्च कर सकते हो और इनके बारे में देख सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, सेशन में आने के लिए, थैंक यू वेरी मच निशांत भाई, आपने टाइम निकाला, एंड मिलते रहेंगे इसी तरह, थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय।